बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत प्लस। इसराइल को अपना तकब्बर और गरूर खाक में मिलाने वाले कमांडर की तलाश। मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड के सरबरा मोहम्मद अल ज़ैफ ने इसराइल पर सरप्राइज अटैक करके मुतअद्दिद इसराइलियों को हलाक कर दिया था। मोहम्मद अल ज़ैफ को शहीद करने की कोशिशों में नाकामी पर इसराइल को हजीमत का सामना। इसराइल के दुश्मन नंबर वन मोहम्मद ज़ैफ कौन है? हमास के फौजी कमांडर जिन पर इसराइल कम से कम 7 कातलाना हमले कर चुका है और खुद गजा में बहुत कम लोग इनकी शक्ल से वाकिफ हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल हकीकत प्लस को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड के सरबरा मोहम्मद अल ज़ैफ ने इसराइल पर सरप्राइज अटैक करके मुतअद्दिद इसराइलियों को हलाक कर दिया था। मोहम्मद अल ज़ैफ को शहीद करने की कोशिशों में नाकामी पर इसराइल को बैनुल अक़वामी सतह पर हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक इसराइल के मोतबर अखबारात यरूशलम पोस्ट, द टाइम्स ऑफ इसराइल और अमरीका के मारूफ अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स समेत मुतअद्दिद जरीदों ने यह स्टोरी शाह सुर्खियों के साथ शाया की है कि इसराइल ने अल कसाम ब्रिगेड के सरबरा को निशाना बनाने के लिए हालिया दिनों में जनूबी गजा में 2 हमले किए हैं, लेकिन दोनों में इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। इसराइल और मस्जिद के वुस्ता पर गहरी निगाह रखने वाले इस अमर से बाखूबी आगाह हैं कि अल कसाम ब्रिगेड के सरबरा मोहम्मद अल ज़ैफ गुज़श्ता 25 साल से इसराइल को मतलूब है और इनकी तलाश में वो मुतअद्दिद मर्तबा कार्रवाइयां भी कर चुका है, मगर वो हर मर्तबा बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसराइली ज़राए अबलाग के मुताबिक कम से कम 5 मर्तबा मासी में उन्हें शहीद करने की पूरी कोशिश की जा चुकी है, मगर कामयाबी नहीं मिली। इसराइली फौज ने गजा पर हालिया हमले के दौरान हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद ज़ैफ को कत्ल करने की 2 बार कोशिश की, मगर दोनों बार नाकाम रहे। इसराइली फौज के तर्जमान हदाई सलबरमीन ने मंगल की रात मीडिया को बताया कि इसराइली फौज ने मोहम्मद ज़ैफ पर गुज़श्ता 1.5 हफ्ते के दौरान 2 बार हमला किया, मगर वो बच निकले। ताहम दूसरी जानब हमास के ज़राए ने कहा है कि ये इसराइल की जानब से नफ्सियाती जंग का हिस्सा है। इसराइल टाइम्स ने गजा के सहाफी इब्राहिम अल मदहून, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमास से खासे करीब हैं, के हवाले से लिखा है कि मोहम्मद ज़ैफ मुकम्मल कंट्रोल के साथ लड़ाई की क़यादत कर रहे हैं। मुबैना कत्ल की खबर नशर करने का मकसद नफ्सियाती जंग है। अगर इस खबर की आसार जराए से तस्दीक हो जाती है तो ये पहली बार नहीं होगा कि इसराइल ने मोहम्मद ज़ैफ को निशाना बनाया है। हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद ज़ैफ पिछले 25 साल से इसराइल की हिट लिस्ट पर मौजूद हैं और इतलात के मुताबिक इससे कबल कम से कम 5 बार इनकी जान लेने की कोशिश की जा चुकी है और वो बार बार जख्मी होते रहे हैं, मगर हर बार बच निकलते हैं। मोहम्मद ज़ैफ अजीजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर हैं जो हमास का मिलिट्री विंग है। कसाम ब्रिगेड को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। इसराइल का इल्जाम है कि इसराइली शहरियों पर होने वाले कई हमलों के पीछे इनका हाथ है, इसलिए उन्हें आम तौर पर इसराइल का दुश्मन नंबर 1 समझा जाता है। मोहम्मद ज़ैफ के बारे में कहा जाता है कि वो देसी साख्ता बम बनाने के माहिर और उम्दा अस्करी सलाहितों के मालिक हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद ज़ैफ ने बम साजी का फन हमास के रहनुमा याह्या अय्याज़ से सीखा था, जो बम बनाने के माहिर थे और इंजीनियर के नाम से मशहूर थे और मुबैना तौर पर फलस्तीनियों की जानब से इसराइल पर किए जाने वाले खुदकुश हमलों के मास्टर माइंड थे। मोहम्मद ज़ैफ के बारे में कहा जाता है कि गजा के नीचे सुरंगों के वसी जाल के निगरान भी वही है। इनका असल नाम मोहम्मद दज्जाब इब्राहिम अल मिस्री है, मगर चूंकि इनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं इसलिए वो ज़ैफ के नाम से मशहूर हो गए, जिसका अरबी में मतलब मेहमान है। वो 1965 में खान यूनुस में पैदा हुए और अलबत्ता बाज़ दूसरे ज़राए के मुताबिक इनकी पैदाइश का साल 1960 है।
मोहम्मद जैफ ने कॉलेज में साइंस की तालीम हासिल की और 1987 में हमास में शामिल हो गए। 2002 में वो इसराइल के हाथों सला शहादत के कत्ल के बाद अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह बन गए। मोहम्मद जैफ के बारे में बहुत कम मालूमात मिलती है और इनकी शख्सियत के गिर्द इसरार के ताने बाने बुने हुए हैं। वो खुद मीडिया पर जाहिर नहीं होते और इनके बयानात तर्जमानों के जरिए मंजरे आम पर आते हैं। इसकी वजह यह है कि इसराइल अपने जासूसों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मुसलसल इनकी ताक में रहता है और मुतअद्दिद बार उन्हें जान से मारने की कोशिश कर चुका है। France 24 के मुताबिक इनके सिर्फ 3 टेलीविजन इंटरव्यू मौजूद हैं जिनमें इनका चेहरा अंधेरे में है। मोहम्मद जैफ की कोई हालिया तस्वीर भी नहीं मिलती और इनकी आखिरी मुसद्दका तस्वीर 1999 की है जब इनकी उम्र 24 बरस थी। जब इसराइली हमले में इनके अहले खाना का इंतकाल हुआ तो वो जनाजे में भी शरीक नहीं हुए। ताहम बास मीडिया इतलात के मुताबिक वो शरीक हुए थे मगर किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। France 24 के मुताबिक मोहम्मद जैफ के सुसर ने भी एतराफ किया कि इनकी अपने दामाद से सिर्फ एक बार 2007 में मुलाकात हुई थी जब वो रिश्ता मांगने इनके पास आए थे। फलस्तीनी वेबसाइट अल सनद के मुताबिक फलस्तीनी हुकाम ने 2000 में मोहम्मद जैफ को गिरफ्तार कर लिया था मगर 2001 में उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद 2002 में इनकी गाड़ी पर इसराइली अपाची हेलीकॉप्टर ने हमला किया जिसमें इनके 2 साथी मारे गए मगर सैफ बच निकले। फलस्तीनी जराए के मुताबिक इनके सर पर चोटें आई थी जिससे इनकी एक आंख जाया हो गई। इसके बाद 2014 में इसराइल ने इनके घर पर बमबारी करके इसे जमीन बोझ कर दिया जिससे इनकी अहलिया 9 मौलूद बच्चा 1 बच्ची और 6 दूसरे अफराद मारे गए। इसराइल ने ऐलान कर दिया था कि मोहम्मद सैफ भी इस हमले में मारे गए हैं मगर बाद में पता चला कि वो जिंदा है। इतवार को इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जनूबी कमांड के सरबरा ने कहा कि सैफ इसराइली फौज के निशाने पर हैं। उन्होंने इसराइली टेलीविजन चैनल 12 से बात करते हुए कहा था कि मोहम्मद सैफ और याहिया अल-सनवार इसराइल के निशाने पर थे और रहेंगे। 5 मई को बैतुल मुकद्दस के इलाके शेख जरा में फलस्तीनी खानदानों की बेघरी के मामले पर मोहम्मद जैफ ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा था कि हमास की क़यादत शेख जरा में होने वाले वाकयात पर नजर रखे हुए है और काब्ज़ों को आखिरी बार खबरदार करती है कि अगर शेख जरा के लोगों के खिलाफ जारहियत फौरी तौर पर ना रोकी गई तो मुजामत खामोश नहीं रहेगी बल्कि दुश्मन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।